हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मूवी ऑडिशन की, जो कि एक जापानीज हॉरर मूवी है। एक आदमी जिसकी पत्नी गुजर चुकी है, कई सालों से अपने बेटे का अकेले देखभाल करता आ रहा है, अपने दोस्तों का ऑफर मान के कुछ लड़कियों का ऑडिशन लेता है ताकि वो अपने लिए एक नई बीवी पसंद कर सके। पर जो लड़की उसे पसंद आता है वो जैसी दिखती थी ऐसी होती नहीं है। मूवी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ से एक बच्चा भूखे लेके अपनी माँ को देने आ रहा होता है। बच्चे की माँ बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है। बच्चे का नाम है शिगेहिको। शिगेहिको के फादर का नाम है शिगेहारू ओयामा। शिगेहारू की वाइफ जो बीमार थी उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। 7 साल बाद शिगेहिको और उसके फादर शिगेहारू डिनर करते दिखते हैं। शिगेहारू के घर में सिर्फ एक मेड रहती थी जो खाना पकाती थी। शिगेहिको हमेशा खाने की टेबल पे अपने फादर शिगेहारू को दूसरी शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। शिगेहारू का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और अपने काम में बिजी रहता है। शिगेहारू अपनी शादी की बात अपने दोस्त यसुहिशा को, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, बताता है। यसुहिशा भी शिगेहारू को दूसरी शादी करने का एडवाइस देता है। यसुहिशा शिगेहारू से पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तब शिगेहारू लड़की में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो यसुहिशा को बताता है। शिगेहारू बोलता है कि जो जो क्वालिटीज वो एक लड़की में ढूंढ रहा है वो तो उसे 30+ उम्र की लड़कियों में ही मिल सकता है। यसुहिशा उसे बताता है कि वो एक मूवी की ऑडिशन लेगा। मूवी का नाम है लुकिंग फॉर लव। ऑडिशन में जो भी लड़की पसंद आए शिगेहारू उसे शादी कर सकता है। उससे दोनों का ही फायदा होगा क्योंकि शिगेहारू को अपनी वाइफ मिल जाएगी और यसुहिशा को मूवी के लिए कैरेक्टर्स। शिगेहारू एक एक करके लड़कियों की एप्लीकेशंस पढ़ता है। यसुहिशा शिगेहारू को कॉल करता है और 30 एप्लीकेशंस सिलेक्ट करने को कहता है। शिगेहारू की नजर असमी नाम की एक लड़की की एप्लीकेशन पे पड़ता है। असमी की बायोडाटा पढ़ने के बाद शिगेहारू इम्प्रेस हो जाता है। शिगेहारू को लगता है कि असमी उसकी पत्नी बन सकती है क्योंकि उसके सोच विचार काफी सिंपल है। दूसरे दिन दोनों ऑडिशन के लिए रेडी होते हैं। एक के बाद एक एप्लीकेशन के हिसाब से उन लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू में यसुहिशा ही सभी लड़कियों से सवाल पूछता है। शिगेहारू सिर्फ असमी का इंतजार करता रहता है। आखिर में असमी का नंबर आ ही जाता है। असमी को अंदर बुलाया जाता है। शिगेहारू को असमी के बैठने के तरीके और उसके बोलने का तरीका काफी अट्रैक्टिव लगा। यसुहिशा और शिगेहारू असमी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। असमी पहले कहाँ जॉब करती थी और अब क्या करती है, सब उन दोनों को बताती है। असमी कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नाम लेती है जिसके लिए वो काम करती है। असमी के जवाब सुनकर शिगेहारू बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है। असमी के जाने के बाद यसुहिशा और शिगेहारू के बीच कुछ बातें होती है। यसुहिशा कहता है कि उसे असमी पसंद नहीं आई। यसुहिशा को असमी बहुत अजीब लगी। शिगेहारू को असमी बहुत पसंद आई। शिगेहारू ये भी कहता है कि वो असमी से पर्सनली मिलेगा उसे अच्छी तरह जानने के लिए। उसी रात शिगेहारू असमी को कॉल करता है। असमी को डिनर के लिए शिगेहारू इन्वाइट करता है। असमी डिनर इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। यसुहिशा शिगेहारू को कॉल करके कहता है कि असमी की कुछ बातें गलत है। ऑडिशन में असमी ने सब सच नहीं बोला है। यसुहिशा शिगेहारू को कहता है कि जिस कंपनी में असमी काम करती थी ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। असमी ने जिन प्रोड्यूसर्स के नाम लिए थे वो भी 1 साल से मिसिंग है। शिगेहारू यसुहिशा की बातों पे ध्यान नहीं देता है। शिगेहारू असमी से मिलने के लिए एक डेट पर जाता है। वहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में शिगेहारू असमी से उस प्रोड्यूसर के बारे में पूछता है जिसका जिक्र उसने ऑडिशन में किया था। असमी झूठ बोल देती है कि उसके और उस प्रोड्यूसर के बीच ज्यादा कांटेक्ट नहीं है और बहुत दिनों से वो उसे मिली ही नहीं है। शिगेहारू असमी की बातों पर यकीन कर लेता है। डेट खत्म होने के बाद शिगेहारू अपने फ्रेंड यसुहिशा के पास जाता है। असमी की बोली गई बातें यसुहिशा को बताता है। यसुहिशा शिगेहारू को असमी से थोड़ा बच के रहने के लिए कहता है। असमी पर इतना यकीन ना करने की सलाह देता है। शिगेहारू कहता है कि जो भी प्रॉब्लम होगा वो संभाल लेगा। अगले सीन में हमें असमी एक रूम में बैठी दिखती है। सामने एक लैंडलाइन फोन और एक बड़ा सा थैला जमीन पे पड़ा हुआ दिखता है। शिगेहारू असमी को कॉल करता है। असमी फोन की रिंग सुन के अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। जमीन पे पड़ा हुआ वो बड़ा थैला मूव होने लगता है इधर उधर, जैसे इसके अंदर कोई आदमी हो। असमी फोन रिसीव करती है। कॉल रिसीव करके असमी शिगेहारू को कहती है
है कि उसे लगा था कि शिगेहारो कभी उसे कॉल ही नहीं करेगा। शिगेहारो उसे सेकेंड डेट पे बुलाता है, जिसको असमी एक्सेप्ट कर लेती है। सेकेंड डेट पे वो दोनों एक होटल जाते हैं, वहाँ दोनों बात करते हैं। शिगेहारो असमी से उसके फैमिली और काम के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या असमी अभी भी उस बार में काम करती है। असमी कहती है कि हाँ, मैं अभी उस बार में काम करती हूँ। शिगेहारो पूछता है कि क्या वो उससे मिलने उस बार में जा सकता है। असमी कहती है कि अगर वो वहाँ गया तो बार के ओनर को अच्छा नहीं लगेगा। शिगेहारो असमी की बात मान लेता है और कहता है कि वो असमी से मिलने बार नहीं जाएगा। शिगेहारो असमी से ये भी कहता है कि जिस मूवी के ऑडिशन के लिए वो गई थी, उस मूवी का काम अभी कुछ दिनों के लिए बंद है। असमी को मूवी की अपडेट मिलने तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये सुन के असमी शिगेहारो को कहती है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस मूवी के जरिए तुमसे मुलाकात हुई, मेरे लिए यही काफी है। शिगेहारो ये सुन के खुश हो जाता है, असमी को घर छोड़ने जाता है। असमी रास्ते में ही उतर जाती है। जाते जाते शिगेहारो उससे फिर से डेट पे आने की बात करता है। असमी कहती है कि उसे शिगेहारो के कॉल का इंतजार रहेगा। शिगेहारो घर जाता है और अपने बेटे शिगेहिको से मिलता है। शिगेहिको को समझ आता है कि उसके पिता यानी शिगेहारो किसी को डेट कर रहा है। शिगेहिको अपने पिता से पूछता है कि क्या उसने असमी को प्रपोज किया है। शिगेहारो कहता है कि वो बहुत जल्द असमी को शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये सुन के शिगेहिको शिगेहारो को ऑल द बेस्ट कहता है। कुछ दिनों बाद शिगेहारो असमी को एक सी साइड होटल ले जाता है। शिगेहारो होटल में असमी को शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में सोचता है। रात को शिगेहारो असमी से बात कर रहा होता है, तभी असमी अपने सारे कपड़े उतार के बिस्तर पर लेट जाती है। असमी शिगेहारो को उसके पास बुलाती है। असमी उसे अपनी बॉडी के जले हुए स्कर्ट दिखाने लगती है। असमी इंटीमेट होने से पहले शिगेहारो के सामने शर्त रखती है। असमी कहती है कि शिगेहारो सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्यार करे और उन दोनों के बीच कोई भी ना आए। शिगेहारो इमोशनल होकर उसके कंडीशन को मान लेता। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। सुबह असमी रूम में नहीं होती। शिगेहारो अपने फ्रेंड यसुहिसा से मिलने जाता है। जो कुछ उन दोनों के बीच होता है वो सब शिगेहारो यसुहिसा को बताता। असमी के अचानक होटल से चले जाने को लेकर शिगेहारो परेशान हो जाता। असमी का फोन ही नहीं लग रहा। शिगेहारो असमी से कॉन्टेक्ट करने का दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करता। यसुहिसा उससे पहले ही वार्न कर दिया था कि असमी उसे कुछ ठीक नहीं लग रही। असमी ने जो भी कॉन्टेक्ट के बारे में बताया था, यसुहिसा का किसी से बात नहीं हो पा रहा। असमी ने ऑडिशन में एक डांस स्टूडियो का जिक्र किया। शिगेहारो वो डांस स्टूडियो ढूंढ लेता। डांस स्टूडियो बाहर से सील था। सील तोड़कर शिगेहारो अंदर जाता है। शिगेहारो वहाँ एक आदमी से मिलता है जो व्हील चेयर में बैठकर पियानो बजा रहा होता है। शिगेहारो उस आदमी से असमी के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बता। नेक्स्ट सीन में असमी का बचपन दिखाया जाता है। बचपन के सीन में व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी असमी के पैर को जला रहा होता। शिगेहारो उस बार में पहुंचता है जहां असमी काम करती थी। वहां जाके शिगेहारो को पता लगता है कि वो बार तो एक साल पहले ही बंद हो चुका है। तभी एक आदमी से शिगेहारो उस बार के बंद होने की वजह पूछता है। शिगेहारो उस आदमी से असमी के बारे में भी पूछता है। वो आदमी शिगेहारो को बताता है कि उस बार में एक मर्डर हुआ था। मर्डर स्पॉट में पुलिस को 3 एक्स्ट्रा फिंगर्स और एक कटा हुआ कान और एक कटी हुई जुबा और बॉडी के टुकड़े टुकड़े मिले थे। ये सब सुन के शिगेहारो शॉक हो जाता है। वहाँ शिगेहारो के घर में उसकी मेड शिगेहारो के पालतू कुत्ते को खाना खिला के घर से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में शिगेहारो के घर कोई घुसते हुए दिखाई देता है। उस इंसान का चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। एक विस्की की बोतल दिखाया जाता है। शिगेहारो घर आके उसी बोतल से ड्रिंक पीने लगता है और असमी के बारे में सोचने लगता है। कुछ ही देर बाद शिगेहारो बेहोश होकर फ्लोर पे गिर जाता है। शिगेहारो हेलुसिनेट करने लगता है। असमी और शिगेहारो की सेकेंड डेट का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक सीन में असमी अपने फादर के बारे में बोलती है। असमी शिगेहारो को बताती है कि उसके फादर के डेथ के बाद असमी की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। असमी के स्टेप फादर उस पर बहुत टॉर्चर करता था। असमी के बॉडी को गर्म लोहे की रॉड से जलाता था। स्ट्रेस दूर करने के लिए असमी डांस किया करती थी। शिगेहारो अब भी हेलुसिनेट कर रहा होता है।
शिगेहारो खुद को अस्मी के घर में पाता है। अस्मी में एक बर्तन में वॉमिटिंग करती दिखती है। उस बर्तन को एक आदमी के सामने रखती है जिससे अस्मी ने थैले में बंद करके रखा था। उस आदमी के 3 फिंगर्स नहीं होते हैं, दोनों पैर भी नहीं होते हैं, उस आदमी की जुबा भी नहीं होती है और उसका कान भी नहीं होता है। वो इंसान अस्मी की उल्टियाँ खाता है। शिगेहारो के आँखों के सामने सब कुछ होता है। शिगेहारो को भी उल्टी आ जाती है। अस्मी एक आदमी जो व्हीलचेयर में बैठा होता है उसका गला घोट रही होती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अस्मी का स्टेप फादर होता है। शिगेहारो बेहोश फ्लोर पे पड़ा होता है। अस्मी ने ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। जो कुछ भी शिगेहारो देख रहा है वो सब कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट्स है। शिगेहारो पैरालाइज हो चुका है और वो हिल नहीं पा रहा है। शिगेहारो का पालतू कुत्ता भी मरा पड़ा होता है। ड्रिंक में ड्रग मिलाने से लेकर कुत्ते को मारने तक सब अस्मी का किया धरा है। अस्मी शिगेहारो के पास जाती है। अस्मी एक बैग साथ लेके आती है जहाँ से एक इंजेक्शन निकालती है। इंजेक्शन शिगेहारो के जुबा में चढ़ा देती है जिससे शिगेहारो की जुबा भी पैरालाइज हो जाती है। शिगेहारो बात नहीं कर पाता। अस्मी शिगेहारो के पेट में नीडल्स चुभा देती है जिससे उसे और पेन होता है। शिगेहारो के आँख के नीचे भी नीडल्स चुभा देती है। वो दर्द के मारे तड़पता रहता है। अस्मी कहती है कि वो इसी तरह उसके बेटे शिगेहिको को भी टॉर्चर करेगी। अस्मी शिगेहारो को बोलती है कि उसने सिर्फ अस्मी को प्यार करने का प्रॉमिस किया था, तो फिर क्यों शिगेहारो अपने बेटे शिगेहिको से प्यार करता है। अस्मी कहती है कि उसके जिंदगी में जो भी मर्द आए सभी ने उसे सिर्फ दर्द ही दिया है। शिगेहारो भी वैसा ही निकला। अस्मी कहती है कि उसके प्यार को शिगेहारो अपने बेटे के साथ कैसे शेयर कर सकता है। बात करते करते अस्मी एक वायर लेके बड़ी बेरहमी से शिगेहारो का लेफ्ट लेग काट देती। अस्मी शिगेहारो का दूसरा पैर काट ही रही थी तभी शिगेहिको शिगेहारो का बेटा वहाँ पहुँच जाता है। शिगेहारो दर्द के मारे फिर से हेलुसिनेट करने लगता है। वो फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। शिगेहारो अपने आप को सीसाइड होटल के बेड में पाता है। अस्मी उसके साइड में सोई होती है। शिगेहारो अपना पैर देखता है और खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पैर कटी ही नहीं। शिगेहारो अस्मी को शादी के लिए प्रपोज करता है। जब शिगेहारो की आँख खुलती है तो उसके सामने उसका बेटा शिगेहिको होता है। शिगेहिको के पीछे अस्मी चुप छाप एक स्प्रे लेके खड़ी होती है। अस्मी उसके बेटे के ऊपर स्प्रे करके उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। शिगेहिको अपने आप को बचाने के लिए स्टेयरकेस से ऊपर चला जाता है। अस्मी जब स्प्रे मारने उसके पास पहुंचती है तो शिगेहिको एक कीक मारता है। अस्मी नीचे गिर जाती है और उसके रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। शिगेहिको पुलिस को कॉल करता है और सारी बातें बताने लगता है। शिगेहारो फ्लोर पे पड़ी अस्मी को देखता रहता है। अस्मी शिगेहारो की तरफ देखते हुए उन दोनों की डेट पे हुई बातें बार बार दोहराते हुए दिखाई देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।